गीता के प्रकटल्य स्थली कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर समाज को शिक्षा देने वाले महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती पर आज राज्य स्तरीय समागम होने जा रहा है। ये समागम सैणी समाज धर्मशाला कुरुक्षेत्र में होगा। इस राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे और महात्मा ज्योतिबा फूले की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे। इस राज्य स्तरीय जयंती समारोह को ऐतिहासिक और यादगार बनाने के लिए सांसद नारायण सैणी, विधायक सुभाष सुधा, प्रदेश महामंत्री डॉक्टर पवन सैणी, सैणी समाज के प्रधान गुरनाम सिंह सैणी सहित अनेक अन्य नेतागण पिछले कई दिनों से गांव-गांव, शहर-शहर जाकर इस जयंती समारोह का निमंत्रण दे रहे थे। इस कार्यक्रम को लेकर सैणी समाज भवन में जहां लोग जुटना शुरू हो गए हैं, वहीं प्रतिमा के अनावरण स्थल के आसपास भी तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी है। दोपहर करीब 12 बजे प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जहां राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, वहीं महात्मा ज्योतिबा फूले की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। आपको बता दें कि महात्मा ज्योतिबा फूले ने समाज को एक नई दिशा देने का काम किया था। समाज में फैली कुरूतियों को समाप्त करने, महिलाओं को शिक्षित करने, अपनी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फूले को शिक्षित करके पहले महिला स्कूल की स्थापना करने, पूरा सामाजिक जीवन अपने सामाजिक कार्यों में लगाने, विधवाओं को उनके अधिकार दिलवाने, छुआछूत जैसी कुरूतियों को दूर करने सहित युवा पीढ़ी को प्रेरित करने का काम किया। ऐसे महान लोगों की जयंती को सरकारी तौर पर मनाकर प्रदेश सरकार ने एक अनोखी पहल की है। इस राज्य स्तरीय समारोह में जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे, वहीं पंजाब के कैबिनेट मंत्री बलबीर सिंह सैणी, राज्य मंत्री संदीप सिंह, उत्तर प्रदेश से राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैणी, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, राज्यसभा सांसद कृष्ण पवार सहित अन्य सांसदगण और विधायक भी शिरकत करेंगे।